भोजपुरी के तीन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह, ये तीनों भोजपुरी के आन बान शान हैं। बच्चे बच्चे के जुबा पर इनका नाम रहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन तीनों सुपरस्टारों का घर कहां कहां है और उसकी कीमत क्या है और सबसे महंगा घर किसका है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह के घर की। पवन सिंह का घर तीन अलग अलग जगह पर है। जी हाँ, पवन सिंह का घर आरा में है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा पवन सिंह का घर छपरा में भी है जिसकी कीमत 50 लाख है। लेकिन छपरा और आरा के घर में पवन सिंह बहुत कम ही देखे जाते हैं। इन सब के अलावा पवन सिंह का मुंबई में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 5 करोड़ है। जी हाँ, पवन सिंह ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं क्योंकि अपने फिल्मों और गानों का काम ज्यादातर उनका वही होता है, इसलिए वो मुंबई में ही ज्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। निरहुआ के घर की बात करें तो निरहुआ के गांव का घर हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है और निरहुआ के गांव के घर की कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, निरहुआ के गांव के घर की कीमत लगभग 7-8 करोड़ बताई जाती है। निरहुआ के गांव का घर बहुत ही शानदार है, इसलिए हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है। निरहुआ का मुंबई में भी एक फ्लैट है जिसकी कीमत 3 करोड़ है। निरहुआ अपने गांव के घर में बहुत ही कम रहते हैं, वो भी ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। अब भाई एक्टर की लाइफ है तो मुंबई में ही कटेगी। अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की। खेसारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अपनी पहचान बनाई है वो बहुत ही कम समय में बनाई है और हर साल खेसारी की 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं। बात कर ले इनके घर की तो खेसारी ने अभी हाल ही में गांव में अपना नया घर बनवाया है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है। और खेसारी ने मुंबई में फ्लैट नहीं बल्कि एक घर खरीदा है जिसकी कीमत 6 करोड़ है। जी हाँ, खेसारी के घर की कीमत 6 करोड़ है और खेसारी भी ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। वेल, आप सब कमेंट कर बताइए कि किसका घर सबसे महंगा है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।